आप सबको नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, ये कह लीजिए अगर आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिका हैं, तो इस वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आप सबको बताए हैं कि अब आपके सैलरी में सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है। अभी तक आपको 6,500 रुपये के हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल रहा था, अब सरकार आपके सैलरी को 11,000 करने जा रही है। और सहायिका का कितना तनख्वाह होने जा रहा है, सब कुछ हम इस वीडियो में बारीकी से आप लोगों को समझाए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी सैलरी को कितना सरकार बढ़ाई है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह से आपको फायदे के लिए वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं कि सरकार आखिर में आपका सैलरी कितना बढ़ाई है। तो आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिल सकती है। राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायिका और राज्य को ओर से दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, अब आपके बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार हो गया, सरकार जल्द ही इसको पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी शिक्षक के रूप में उन्नयन कर कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान की घोषणा की थी। आज महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने विभागों की बजट चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ होने वाली इस बैठक में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अगर इस सहमति होती है तो फिर बजट में इसका ऐलान भी हो जाएगा। जी हाँ, आप सही सुने, इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री इस पर मोहर लगाते हैं तो आप सबके बढ़ोतरी में कोई दो राय नहीं रहेगा, आपके सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से संचालित आंगनबाड़ी वर्कर्स ब्रेकिंग परियोजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायिका की पदस्थापना की जाती है। इन कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को केंद्र की तरफ से मानदेय में अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अंशदान के रूप में मानदेय का भुगतान किया जाता है। आगे आपको बता दें कि अभी कितनी राशि उन लोगों को मिल रही थी, आगे कितनी राशि आप लोगों को दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 46,660 है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र की तरफ से कुल राशि 4,500 रुपये दी जाती है, जिनमें 60% यानी 2,700 रुपये राज्य सरकार और 40% यानी 1,800 रुपये देती है। राज्य सरकार की तरफ से 2,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय किया जा रहा है। इस लिहाजे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तो कुल अभी तक 6,500 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, यानी कि पगार उन लोगों को 6,500 रुपये मिल रहे हैं। अब आप लोगों को कितना तनख्वाह मिलने वाला है, इस पर भी थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं की कुल स्वीकृति 46,660 है। उन्हें 2,250 रुपये केंद्र की तरफ से दिए जाते हैं, जिनमें 60% यानी 1,350 रुपये राज्य सरकार की है, यानी उनको 900 रुपये भुगतान करती है और राज अंश के रूप में उन्हें 1,000 मिलते हैं। यानी अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3,250 रुपये मिलते हैं, उनकी तनख्वाह 3,250 है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का तनख्वाह 6,500 रुपये। अब इनकी कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना इनको पैसा मिलेगा, आप लोग वीडियो में बने रहे, सब कुछ हम एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाने वाले हैं। आपको बता दें, उसी तरह मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 5,814 है। केंद्र सरकार की तरफ से कुल राशि 3,500 दी जाती है, जिनमें 60% केंद्रांश 2,100 रुपये और 40% राज 1,400 रुपये होता। अतिरिक्त राजकांश के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, यानी कुल उनको 4,500 रुपये दिए जाते हैं। अब बढ़ोतरी का प्रस्ताव क्या क्या है, इस पर भी थोड़ी आप लोग निगाह दौड़ा। घोषणा पत्र के लिए वादों में अनुरूप कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान का प्रस्ताव तैयार किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी मौजूदा वक्त में 6,500 रुपये मिल रहे हैं, उसके मानदेय में 4,630 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। आपको जानना है जरूरी है कि अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कलेक्टर पद में 11,130 रुपये हैं, वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मौजूदा वक्त में 3,250 रुपये भुगतान किया जा रहा है, उनके मानदेय में 6,450 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। आंगनबाड़ी सहायकों को अब मौजूदा कलेक्टर में रूप में 9,700 रुपये दिए जाएंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,130 रुपये की सैलरी दी जाएगी हर महीने के हिसाब से, अगर प्रस्ताव पर मोहर लगता है तो। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर ये समझ गए होंगे कि अब आप लोगों की सैलरी कितनी बढ़ोतरी होगी और कब होगी।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह का खबर, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।